गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड यूर वॉचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लेंगे, अगर ऑल दबाते हैं तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज होने वाला है नेचुरल गैस का वीडियो। काफी लोगों के क्वेश्चन आए कि सर नेचुरल गैस का क्या व्यू रहेगा, सोमवार को नेचुरल गैस कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में नेचुरल गैस क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी न्यूज है सर, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस कर लीजिए सर, वो कर लीजिए। बहुत सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियोज में। सबसे पहले तो मैं अपने सारे जो भी मेरे व्हाट्सएप के मेंबर है उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने एनजी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था नेचुरल गैस का। जब ये 160 के आसपास आ गया था तब मैंने कहा था कि 142 आएगा और 160 के बाद ये सीधा 145 आ गया, 15 पॉइंट्स इन जस्ट वन डे, यू नो। सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्ट्रेटजी गाइस, यू हैव टू प्लान द स्ट्रेटजी एंड ऑल अकॉर्डिंग टू, यू हैव टू, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द टेक्निकल चार्ट। सिर्फ टेक्निकल चार्ट से गाइस नहीं होता, जो भी मुझे लगता है ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो इंटरमीडिएट है, इवन फॉर द बिगिनर आल्सो उनको ऐसा एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखने से उनका काम नहीं चलता है। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट से लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाई हो, नहीं हो सकता गाइस। मार्केट इज वेरी वास्ट, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है हमारी वीडियो में आपको सिर्फ टेक्निकल चार्ट नहीं, पहले तो नेचुरल गैस की न्यूज का एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल, उसके सेंटिमेंट इफेक्ट क्या पड़ेंगे उसका पूरा डिटेल में बात करेंगे, न्यूज को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करेंगे क्या उसका भावार्थ निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पे आएंगे, उसके बाद वहां पे भी हम रुकेंगे नहीं, हमें रिस्क मैनेजमेंट कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज करनी है, क्योंकि सब चीजें मिला के ही एक परफेक्ट एनालिसिस होता है जो मैं आज आपको यहाँ कोशिश करूंगा। तो आपको यहाँ लेवल्स भी मिलेंगे, मंडे के लेवल्स भी मिलेंगे और आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में क्या होगा एनजी में उसके लेवल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, सैटरडे फुल यूज करिए सैटरडे का। अगर आप एंटरटेनमेंट वीडियोस देखते हैं किसी और इंस्टाग्राम वगैरह पे एक एक मिनट के, तो गाइज यहाँ पे तो आपको ज्ञान मिल रहा है, बटोर लीजिए जितना बटोरना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे पूरा ज्ञान देने की। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेचुरल गैस में। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा है न्यूज, ठीक है ना, तो न्यूज तो आपने सुनी है, एक न्यूज आई है, काफी लोगों को मेरे पास क्वेश्चंस भी आए हैं। न्यूज आई है कि भाई ईरान जल्द ही इसराइल पर आक्रमण करने वाला है, शायद आपने भी ये न्यूज कहीं पढ़ी होगी अखबार में और उसमें ना। तो काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफी लोगों ने पोस्ट किया है, ठीक है ना, इस न्यूज के बारे में कि सर इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट रहेगा, सर उसके बारे में डिटेल में बता दीजिए। तो आज मैं वो भी बताने वाला हूँ, यहाँ वीडियो पे भी बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले काफी लोगों के दिमाग में क्वेरी होगी सर आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे देता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए 8209791938 ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ फॉर स्टार्ट करने से पहले, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, आई एम नॉट सर्टिफाइड से वीडियो, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, ना ही रिस्क मैनेजमेंट स्पेशली किसी तरह का नहीं, एज एन इंडिविजुअल हूँ, एक इन्फ्लुएंसर अपना पॉइंट ऑफ व्यूज देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद भी अगर आपको ट्रेड करना तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करो, क्योंकि आपके किसी भी तरह के अगर आप रियल ट्रेड करने लगते हैं प्रॉफिट लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन प्रोस्पेक्टिव से अपने आपको लाइव मार्केट में काइंड ऑफ बैक टेस्ट, यू नो, वर्चुअली इमेजिन करना है कि आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो अच्छी चीज है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले ये मुझे सही थोड़ी सी देखो, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्लेमर गाइस, अगेन ऐसा मुझे लगता है और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको ऑथेंटिक साइट करनी चाहिए, जैसे investing.com मुझे ऑथेंटिक साइट लगती है, तो वहां से मैं न्यूज देखता हूँ। ऑयल प्राइस यहाँ पे मुझे थोड़ी न्यूज यू नो ऑथेंटिक लगती है। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं होता गाइस कि आपको मतलब यहाँ पे जो भी न्यूज मिलेगी उसको एज इट इज ले लेना, ऑथेंटिक का मतलब ये होता है एटलीस्ट यहाँ पे न्यूज कोई भी बनी बनाई या रूमर नहीं आएगा, हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, स्क्रिप्टेड तो आजकल हर इन्फॉर्मेशन होती है आपको पता ही है राइट। अब उसको आपको किस तरीके से इंटरप्रेट कर, उसमें भावार्थ क्या है, उसका क्या सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, वो आप यहाँ पे बात कर लेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट और लेवल के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो बाइडन यहाँ पे, ये को पुरानी न्यूज है, आज 13 तारीख है, बट मैं आपको ये न्यूज खोल लेता हूँ और जो ईरान वाली न्यूज है ना उसको मैं कवरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज भी कोई देख लेता हूँ, यहाँ पे ये वाली जो ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है ना। तो अब ईरान और अमेरिका का, मैं ईरान और इसराइल का मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ गाइस, बड़े ही तरीके से बताऊंगा, बहुत ही लॉजिकल तरीके से बताऊंगा, अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो काफी लोगों ने पूछा सर ईरान इसराइल का हमला हो रहा था, सर क्रूड में क्या होगा, सर एनजी में क्या होगा, तो मुझे लगता है कि एनजी में तो प्राइसेस बढ़ जानी चाहिए, ऐसे काफी लोग मुझे बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गाइस पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला है कि ईरान का जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू क्रूड एंड एनजी,
ईरान ईरान का एनजी से कोई कनेक्शन नहीं है, ईरान का क्रूड ऑयल से डेफिनेट कनेक्शन है, लेकिन गाइज अंडरस्टैंड ऑलरेडी क्रूड काफी ऊपर है, ठीक है। ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसे युद्ध के हालात में पड़े, और वहां का जो कच्चा तेल है जो सेंशंस लगे हुए हैं अमेरिका के ऑलरेडी, वो ब्लैक में भी ना बिके, ऐसा कभी ईरान थोड़ी चाहेगा। तो प्राइसेस कभी भी हाई नहीं जाने वाली, अगर ईरान ने अपनी प्राइसेस हाई कर ली तो ईरान से वैसे ही कोई नहीं खरीदेगा, उसके ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है यूएस के सेंशंस के चलते। वो चाकर भी क्रूड ऑयल को प्राइस में महंगे में नहीं बेच सकता, ठीक है, उसको तो सस्ते में बेचना पड़ेगा भली प्राइसेस हाई हो। तो ये चीज जो दिमाग में है कि ईरान इसराइल के युद्ध से कुछ हो जाएगा, और गाइस मैं पहले ही बताता हूँ, मैंने आपको कहीं ये सिर्फ मेन मेड इन्फॉर्मेशन होती है गाइस, ईरान ने इसराइल पे हमला किया, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला गाइस, ये सब जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ यू नो द बिजनेस आउटलुक, ठीक है, क्रूड की प्राइसेस को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने के लिए, या एनजी की प्राइसेस को ऊपर से नीचे करने के लिए इस तरह के सिर्फ स्टेटमेंट दिया जाता है। होना जाना कुछ नहीं है, कोई युद्ध में नहीं कूदना पड़ने वाला, ईरान युद्ध में कूदेगा तो ईरान क्यों कूदने लगा युद्ध में, ठीक है, उसको क्या लेना देना है, उसकी ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसका आंसर ये इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अभी दूसरी चीज देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाली है जो बाइडन एलएनजी पॉज कोड है, गाइस मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ प्लीज एक्सेप्ट, ओके, ज्ञानवर्धक वीडियोस है, सिर्फ लोगों के टेक्निकल चार्ट देख के वो लेवल देख के चले जाना गाइस, डू यू रियली थिंक इट्स अ प्रोफेशनलिज्म, आपको रियल में लगता है वो प्रोफेशनलिज्म है, उससे कुछ सीखने को मिलता है आपको कि आप किसी के लेवल्स वगैरह देख के चले जाते हो, तो अंडरस्टैंड गाइस ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लोग कमेंट सेक्शन बोलते तेरा वीडियो बड़ा बनाने के लिए कर रहा है, बकवास, ये बकवास नहीं गाइज, आई टेल यू गाइज 100 में से 95 लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, 5% बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं, 95% लोग यही कहते हैं ये सब बकवास की बात नहीं करनी, हमें लेवल करना, जो 5% लोग होते हैं ना वो डीप में जाते हैं, समझ रहे हो, जब तक आप वो नहीं करोगे नहीं कर पाओगे गाइस, और हमेशा अगर किसी के भरोसे रहे तो आप कभी ना कभी चोट खाते रहोगे, ये मैं अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पे देखो बाइडन, ये 10 की न्यूज है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेशन है, बाइडन डिसीजन टू पोज एलएनजी अप्रूवल रेज कंसर्न अबाउट इट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड इमिशन रिडक्शन एफर्ट्स, डेवलपिंग एशियन कंट्रीज हैवीली डिपेंडेंट ऑन अफोर्डेबल नेचुरल गैस पर ओवर देयर एनर्जी ट्रांसफर। देखो मैंने पहले भी बताया, हमारे व्हाट्सएप पर लाइव सेशन होते हैं, मैंने काफी बार बताया है कि यहाँ पे अमेरिका पूरा तुला हुआ है नेचुरल गैस को बर्बाद करने में, क्यों तुला हुआ है मैं आपको उसका फिर से जियोपॉलिटिकल, ये बात है रशिया यूक्रेन वॉर की, रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था आपको पता है ना, नेचुरल गैस की प्राइसेस में कितना उछाल आया था, फिर यूरोप ने बैन लगा दिया था, तो अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया था और इसको यूरोप को बेच दिया। अब लेकिन अमेरिका भी कितना प्रोडक्शन करे, और अमेरिका का जो नेचुरल गैस है वो एक्सपेंसिव होता है, आप कुछ भी देखिए क्रूड ऑयल जैसे अगर हम शेल पे भी जाते हैं तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव राइट, तो वो यूरोप के लिए ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है उसके लिए काफी ज्यादा है ना। तो अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपने नेचुरल गैस का कंजप्शन बंद कर दिया, आपने सुना होगा उन्होंने अपने गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वगैरह सब में वहाँ नेचुरल गैस को बैन कर दिया, तो वो प्रोडक्शन कम करने लगा नेचुरल गैस का, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए करता है राइट। तो यूरोप ने क्या सोचा भाई कि हम कोल पे चले जाते हैं, लोग कोल पे गए, इंडिया कोल पे है, यूरोप कोल पे है, चाइना कोल पे है, सब कोल पे, कोयला राइट। तो एनजी का मार्केट सिर्फ यूरोप में था गाइस, वो बिल्कुल ही नहीं रहा, और अमेरिका इसी चीज को हैमर करना चाह रहा है, यूरोप की एक ही वीकनेस थी एनजी, अब उसी को अमेरिका बिल्कुल निस्तोनाबूद करना चाह रहा है मार्केट में इस तरह का बज क्रिएट करके बिल्कुल। तो मैं आपको पहले भी नेचुरल गैस के बारे में बता चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म में क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू लेवल्स वगैरह है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। तो आने वाले टर्म में यहाँ पे जो न्यूज वगैरह है इनका, इनको देख के जो मेरे को लग रहा है गाइस, ठीक है ना, कि यहाँ पे ना अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मना कर रही है अप्रूवल देने के लिए टू न्यू लाइसेंस टू एक्सपोर्ट लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक धंधा बन रहा है, क्योंकि एक धंधा होता गवर्नमेंट का और एक धंधा होता गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज है वो कालाबाजारी करती है राइट। तो ये काफी बहुत डिटेल में मैं नहीं कहूंगा गाइस, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत हाईफाई इन्फॉर्मेशन है गाइस। धीरे धीरे जब आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और धीरे धीरे मेरे वीडियोज देखेंगे तब मैं आपको धीरे धीरे बताना स्टार्ट करूंगा इन चीजों का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ओवरऑल अगर न्यूज को इंटरप्रिटेट करके अगर मैं आपको एक चीज बोलूं तो मैं सुपर 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 बीरिश हूं, ठीक है ना। ऑन न्यूज बेसिस लेट्स गो टू द सेकंड कंपोनेंट, वो हमारा रहेगा टेक्निकल चार्ट। आपको जान के खुशी होगी कि व्हाट्सएप पे हमने 161 पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भाई ये जा सकता है आराम से, आपको यहाँ पे 145 के आसपास 142-145 आया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने शॉर्ट टर्म के लिए भी 130-120 बोला है, सॉरी गाइस 120-130 बोला, लेकिन साथ में मैंने एक स्टेटमेंट बोला है
कि अब वो किस तरीके से आएगा 120-130, ये मैंने ही बताया, मैंने शॉर्ट टर्म में बोला 120-130, अब वो किस तरीके से आएगा, 180 जाके आएगा, 160 जाके आएगा, या सीधा ही 120 आ जाएगा, वो हमें डेली असेसमेंट करना पड़ेगा, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डेली असेसमेंट करते हैं, क्योंकि हर चीज का डेली असेसमेंट जरूरी है। जैसा आप भी एडमिट करते होंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी करते हैं, एक्सपीजेड, अगर लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, तो आपको ये पता है कि आप कोई भी शॉर्ट टर्म में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक देखते हो, लेकिन उसको फिर भी 2 या 3 दिन के अंदर देखना पड़ता है, अगर आप इंटेलिजेंट है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है ना, मतलब लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से। गाइस मैं यहाँ पे किसी तरह कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको, डिस्क्लेमर, अगर आप करते हैं ना, ठीक है, तो आप ये जरूर देखेंगे हर 2-3 दिन में, मुझे देखना है यार कहीं न्यूज तो नहीं आ गई, कुछ नहीं आ गई। और ये तो जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है, ये तो मतलब पूरा जो प्राइसिंग वगैरह ये सब ग्लोबल है। कल को वर्ल्ड में कोई भी कुछ खड़ा होके, जो ओपेक वाला कोई बोल दे, अमेरिका कोई बोल दे, तो यहाँ पे सीधा इफेक्ट पड़ जाता है, राइट। तो यहाँ पे तो ये तो बहुत सेंसिटिव है, राइट, इसीलिए इसको डेली असेसमेंट करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में मेरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो इतना भी बोलता हूँ गाइस, मैं रिपीट करता हूँ, 100 से 110 शॉर्ट टर्म में। काफी लोग शॉक हो जाएंगे, 100 से 110 गाइस, आर यू क्रेजी। 291 पे था तब मैंने 130-140 के लिए बोला, लोग बोला आर यू क्रेजी, मैंने कहा यस आई एम क्रेजी, ओके। सो दैट इज अ डिफरेंस, यू नो, डिफरेंस यही होता है, यू नो, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, ठीक है ना गाइस, ये सेंस करना आपको आना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। टेक्निकल चार्ट बता देता हूँ, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म में कितना टाइम फ्रेम रहेगा, गाइज ये हमको डेली असेसमेंट करके ही टाइम फ्रेम मिलेगा, ऐसे में एक दिन बैठ के आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बता रहा है तो इसका मतलब कुछ कुछ तो काला है, दाल में काला है, ठीक है। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं, तो 1 वीक का चार्ट अगर आप कैंडलस्टिक पे देखें, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस, मैं यहाँ दिखाऊंगा भी नहीं कैंडलस्टिक, आई बिलीव कि आपको आता होगा कैंडलस्टिक, नहीं आता तो आप दूसरे वीडियोस काफी सारे पड़े हुए हैं, मैं वो चीज नहीं समझाने वाला हूँ, मैं वो चीज समझाने वाला हूँ जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और मार्केट में कोई नहीं बताता है, ठीक है ना, सब अपने पास छुपा के रखते हैं, राइट। तो मैं वो चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो कैंडल वेंडल है ना, ये पूंछ और टेल हेड, ये तो आप एक डालोगे आपको 1000 वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, देख लीजिए जाके, कुछ नहीं होगा उससे ना, ठीक है। तो ये 1 वीक का चार्ट है, 1 वीक का चार्ट क्या दिखा रहा है, कंसोलिडेशन फेज, प्रोबेबली यहाँ पे आपको बुलिश काफी लोग बोल रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, मैं पहले भी बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास लोग आते हैं, सर कोई यूट्यूबर वाला ये बोल रहा है, सर कोई वो बोल रहा है, कोई सर बुलिश बोल रहा है, ये बोल रहा है, मैंने कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, माय रूल्स, मैंने इनफ नॉलेज गेन किया है, उसके बाद आई विल स्टिक टू माय प्लान, आई विल डेफिनेटली टेक अ फीडबैक फ्रॉम अदर्स, यू नो, अगर कोई मुझे बोलता है कि इसका रीजन ये, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ, इधर उधर बातों में भटकते नहीं गाइज, मैं बहुत इंस्टेंटली वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए आपको लगा होगा कि लेवल बताते बताते बीच में ये कहाँ चला गया, मैं इंस्टेंटली बनाता हूँ, तो गाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, प्लीज माफ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेली वे 1 वीक का चार्ट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज बता रहा, दैट इज ऑल्सो कंसोलिडेशन, 1 मंथ का चार्ट भी कंसोलिडेशन बता रहा है, 3 मंथ का चार्ट भी यही दिखा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो कंसोलिडेशन दिखा रहा है चार्ट के बेसिस पे, और अगर बीरिश देखूँ तो बीरिश इतना नहीं दिखा रहा है, देर कैन बी यू नो थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, लेकिन बीरिश ज्यादा दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये चार्ट है। लेकिन मैंने पहले ही बोला है गाइस, आई विल कंबाइन एवरीथिंग एंड देन आई गेट ऑन द पॉइंट। सो मेरा अगर मैं सब चीजों को कंबाइन करूँ, भाई हमारे पास ट्रेनिंग सेशन है जिसमें हमने न जाने कितनी स्ट्रैटेजीज है, सैकड़ों स्ट्रैटेजीज है, तो रोज कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी राइज, ओके। तो मैं उन स्ट्रैटेजी सारी चीजों को, मेरा सारा जो भी ज्ञान है, न्यूज एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, हेजिंग, एवरेजिंग, सब चीजों को मैं अगर आत्मसात करके एक पॉइंट पे आऊँ ना, तो मैं कहूंगा सुपर बेरिश इन शॉर्ट टर्म। और अगर यहाँ पे अगर मैं सोमवार की बात करूँ, तो सोमवार के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सोमवार के लिए आपको 1 वीक का चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो मार्केट ओपन, सोमवार को यहाँ पे गाइस, अगर ये ध्यान से सुनेगा गाइस, वापस रिपीट नहीं करूंगा, अगर ये 145 के नीचे जाता है, तो गाइज दिस टाइम इट गोना गो बिलो 135, जी हाँ, बिलो 135 गाइज, बिलो 135। और मैं तो यहाँ 145 नीचे जाने का वेट भी नहीं करूँ, मेरा जो अपना ओपिनियन है ना, मैं तो 160 पे बोला हूँ, ठीक है ना, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है वो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं तो 161 से ही बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली आया 161, तब सब लोग डर गए थे, पैनिक देखो गाइज, एनजी इट्स ऑल अबाउट पैनिक, पैनिक क्रिएट किया जाता है। अब देखो ये चीजें आप बच्चे तो हो नहीं, आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूँ, राइट। तो 161 के आसपास मैंने आपको बोला था, मैंने उनको बोला था कि 142-145, तो 145 अचीव होगा, एंड मूविंग फर्दर आई थिंक आई इजिली ऑन मंडे मुझे लगता है कि आराम से होगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका, रहेगा 153, रेजिस्टेंस रहेगा 153,
ठीक है, 153 का रेजिस्टेंस रहेगा और 148 का आपका वो रहेगा, क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल 153 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा मुझे लगता है कि 140 का, ठीक है, 140 बीच होता है तो फिर डेफिनेटली मैं एक्चुअली 135 ऑन चार्ट बोल रहा हूँ, बट मुझे तो ये बहुत स्ट्रेट अवे 130 लग रहा है गाइस, स्ट्रेट अवे, कोई देयर इज नो अदर ऑप्शंस, मुझे लगता है स्ट्रेट अवे 130 लग रहा है यहाँ पे, कोई चांस ही नहीं है इसको और ज्यादा आने का, यू नो, एंड आई बिलीव, मुझे लगता है कि एनजी में कुछ भी नहीं बचा है, क्या बचा है पता है, सिर्फ ऊपर नीचे जो गोलमाल बाजी है, आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो ही बचा है और कुछ नहीं बचा है, तो ऑन द वे मुझे लगता है ये 130 डेफिनेटली आएगा, देयर इज नो चांस कि यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी अपसाइड मोमेंटम हो सकता है, मैंने पहले भी बोला जैसे पिछली बार 145 आया था फिर 161 चला गया था, हमने सोचा था किसी तरह का, क्योंकि ये 161 गाइस मैंने पहले भी बोला है मेन मेड है, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके डिस्क्लेमर गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस, तो इसीलिए गाइस यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखना ज्यादा मुझे लगता है मुनासिब होगा इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। एनजी में कोई मार्केट नहीं है, अगर आपको क्रूड ऑयल का वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू ऑल करिए, ताकि जैसे ही मैं क्रूड ऑयल का वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे तुरंत आ जाए। जाते जाते फॉर मार्केट अवेयरनेस वी हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि मार्केट में अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जाए जो भी इन्वेस्टर्स है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एडवाइस हियर, बट सिंस आई एम यूजिंग अ प्लेटफॉर्म आई हैव दिस, यू नो, मुझे ये एक प्लेटफॉर्म है मिला है तो मैं इसके जरिए काफी लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि गाइस कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए, कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, कमोडिटी मार्केट या कुछ भी इन्फॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, एनीथिंग, राइट, तो उस इन्फॉर्मेशन को पहले जांचें, परखें, आपको ये देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन कोई जेन्युइन वेबसाइट से है या नहीं है, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो वो न्यूज़ अगर 3 या 4 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जेन्युइन है, तो आप वहां जाके उसकी पड़ताल कर सकते हैं, उसके बाद ही उस न्यूज को ले और एनालिसिस करें, और फिर उसके बाद ही अगर आपको आगे किसी को फॉरवर्ड करना है या किसी को बताना है तभी बताएं, कोई भी न्यूज को एज इट इज ऐसे ना ले लें गाइस, अंडरस्टैंड, ओके, सो ऑलवेज दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ भी गलत करेंगे और जिसको आप फॉरवर्ड करें उसके साथ भी आप गलत करेंगे, तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है गाइस, लेट्स बी यू नो टुगेदर, वर्क प्रॉपरली, ठीक है, स्प्रेड द जेन्युइनिटी, ठीक है ना, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं गाइस, और अगर आपको मेरे वीडियोस लेंदी लगते हैं तब भी कमेंट सेक्शन करिए, उसके लिए मुझे लगता है बोलने की भी जरूरत नहीं है, काफी लोग कमेंट्स करेंगे कि सर लेस कंटेंट, बकवास मोर, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई एम जस्ट नॉट हियर टू पुट अ लेवल्स एंड ऑल, ओके, दीस पीपल्स टेलीग्राम्स आर देयर, यू गो इन देयर एंड यू नो चेक अदर टेलीग्राम, आई डोंट वांट टू डू दैट, ओके, यहां पे आपको प्रोफेशनलिज्म एंड प्रॉपर नॉलेज के साथ ही मैं चार्ट दूंगा, मैं यहाँ पे आपकी आदत ही ऐसे लगाने वाला हूँ कि अगर आपको लेवल देखना है तो पूरा वीडियो देखोगे और पूरा पहले नॉलेज लोगे और उसके बाद लेवल देखोगे, यू नहीं कि पहले लेवल देखोगे, बट फिर भी कुछ लोग तकड़मबाज वीडियोस को आगे आगे करके मेरे लेवल्स पे सीधे जाएंगे, बट गाइज मैं इंस्टेंट वीडियोस बनाता हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कहाँ पे लेवल देने वाला हूँ, कहाँ पे लेक्चर देने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो गाइज मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, बहुत लंबा हो गया वीडियो, सो विद दिस नोट, दिस इज अजय गाइज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।